ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा के। आज 23 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न है दूसरे सत्संगों में या आश्रमों से, यहाँ की कौन सी रसम बिल्कुल ही न्यारी है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर के रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा यहाँ नहीं है, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता है, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। उस रसम, यह रसम उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाबेट बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चे जानते हैं यहाँ बाप समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वर्ष कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वो तो होकर के गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था, यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान भगवान वाच, मन मना भव, कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, वह कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी और बौद्ध ही आए हैं। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध होता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया था, अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर के रहते भी है, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया या उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा है ये समझते हैं, वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं है, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, परमात्मा के पास, यह है तुम्हारा मर्जी व जन्म। वो लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है, यहाँ वह रसम नहीं है। पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर के बैठे ये हो नहीं सकता, यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है, अंत में यहाँ रहे वा वहाँ रहे मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है, यह तो निकलते तब है जब विष के लिए उनको सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना है घर में, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है, सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको अपने पास तो रख नहीं सकती है। वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं, यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर के ईश्वरीय शरण लेते हैं, या सेंटर पर रहेंगे या फिर मधुबन में रहेंगे। बाकी तो बाबा कहते हैं कि यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती है, और कहाँ भी यह बात नहीं है, यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता ही चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ते पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो बच्चे कम हो। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
ये बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं पवित्र बने, यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता के बिगैर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नर्क में है ही दुख, अब नर्क तो और कोई चीज नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी जिसमें मनुष्य गोते खाते, ऐसे तो कोई नदी नहीं है जहाँ सजाए खाते हो। सजाए तो गर्भ जेल में मिलती है, सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती जहाँ सजाए मिले, गर्भ महल होते हैं। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग की नई दुनिया रचता हूँ। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता, कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था ब्रह्मा द्वारा, बैठ सभी वेद शास्त्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते, बिल्कुल अनपढ़ का अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा नहीं सकते, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़ता है। परमधाम से भगवान को यहाँ सृष्टि पर आना पड़ता है पावन बनाने। तुम बच्चों को याद दिलाते, कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है आगे कभी ये नॉलेज ली है, तो कहते जी बाबा 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। ये बातें नहीं है, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। सिवाय ईश्वर की यह दैवी धर्म कोई स्थापन नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं मैं रचता हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके मुख से ऐसे नहीं निकलेगा कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, है ना। यह है गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा वही कह सकता है, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ फर्क यह है निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह नहीं सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कहते, यह तो जानते हैं सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की कोई में ताकत नहीं है। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक ही है, अवतार भी एक ही है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की कोई में भी ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, अभी वो कर रहे हैं। गाया हुआ है मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाबा गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर के पवित्र बनाए पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर है, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 गीता, परंतु नाम बदल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नोंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर बैठ लिखते हैं। सतयुग में कोई भी शास्त्र नहीं होगा। बाबा सारे चक्र का राज बैठ समझाते, तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की वृद्धि तो बाद में होती है, वे थोड़े इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते, यह जो दादा है ना,
जिसका हमने तन लोन लिया है वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाते हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते, क्यों? क्योंकि वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्होंने चित्र कैसे बनाते? शिव का भी चित्र बनाते, है तो वह भी स्टार, उनका भी रूप बनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म, जैसे मनुष्यों का बनाते वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते, परंतु तुम भी देखते हो वह सूक्ष्म है। अच्छा, रात्रि का क्लास आया है, 13/7/1968 की मूर्ति है। मनुष्य दो चीजें जरूर चाहते, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को, तो पूछ रहा होता है अभी अशांति है तो जरूर कभी शांति हुई होगी ना, परंतु वो कब कैसे होती, अशांति क्यों हुई, एक कोई को भी पता नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन, सभी का प्यारा, फिर भी है सभी का प्यारा। देखो, इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी शिव, नाम भी है उसका विष, फिर भी छोड़ते नहीं। तुम कितना माथा मारते रहते हो फिर भी हार खा लेते, सारी पवित्रता की ही बात है। इनमें बहुत फेर होते हैं, कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देहाभिमान की बात पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है, जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी, ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी है लोभी है, सारी बात विकार की है। शादी करते हैं विकार के लिए, यह फूरना रहता है माँ बाप को, बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाएगा। तुम बच्चों को समझाना होता है, यह देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण राजाओं का राजा बनना है, चित्र सामने है, इनको सत्संग नहीं कहा जाता, ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सन्मुख राजयोग सिखाए। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं ना, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं, बाप कोई गीता नहीं सुनाते। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है, जहाँ एक सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है, सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी कोई होगी, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पति दुनिया कलयुग को कहते, सतयुग में यह पावन थे देवताएं। कैसे बने सो सिखलाते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे भी कैसे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा, भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं, भक्ति का भवका बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते, मुख्य बात यह है। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, बाबा बच्चों को शाबाशी दे रहे, अच्छा भाषण करते हो, लेकिन योग में रहकर समझाएं किसी को तो असर हो जाएगा। असर भी अच्छा होगा, याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे।
याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, एक घंटा निष्ठा में बैठे, यह भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। तो हम तो कर्मयोगी है, सब काम धंधा करते हुए हम परमात्मा को तो याद कर ही सकते हैं ना। हत कारणे दिल यारे, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं, बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है। यदि प्यार भावना होगी तो प्यार होगा तभी हम किसी को याद कर सकते हैं। तो परमात्मा के लिए भी शुद्ध भावना है हमारी, उनको हमने जाना है, पहचाना है, उनके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार है, तभी तो हम उनको याद कर सकते हैं ना। क्यों उनको याद करना है? वो बहुत खजाना देते हैं। याद से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतिंद्रिय सुख फील होगा। बाबा कहते तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना ज्यादा खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं इसलिए किसको असर नहीं होता, फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता है या हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, तो बाबा कहते तुम याद में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नर्क में रहते हुए बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा के धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अपने सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।